তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে আগুনে ধ্বংস শুরু করে। কয়েকশো বস্তিতে আগুন লেগেছে, শত শত বস্তিতে বিশাল আগুন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আগুনটি বিশাল আকার ধারণ করেছিল নয়ডাতে। দুই সন্তানের মৃত্যু নিশ্চয়তা, একটি শিশু নিখোঁজ। পুলিশ ও ফায়ার বিভাগের কর্মীরা শিশুটিকে সন্ধানের চেষ্টা করছেন। আগুনে পাশুপোকার বস্তি পুড়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের এক ঘন্টা পরেও ফায়ার ইঞ্জিনের গাড়িগুলো পৌঁছানি নয়ডাতে। বস্তিগুলি নয়ডা কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে দখল করেছিল। বাহুলুল পার অঞ্চলের মুখোমুখি তিনটি ঘটনা। नोएडा के सेक्टर 63 के बहलुलपुर में जो सबसे बड़ी झुग्गी थी वहां पर आज आग लगी है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आग जो है अभी तक फैला हुआ है। लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए। मैं अपने सहयोगियों को कहूंगा कि एक बार दिखाएं वो आग के जो विभीषिका है, वो जो दर्द है अभी तक जो है धुएं के रूप में और आग की शक्ल में अभी भी दिखाई दे रही है। ये बताया जा रहा है कि कवारियों का घर था यहाँ पर, लगभग 300 परिवार रहते थे। 300 परिवार का जो घर है समूल नाश हो गया है। समूल घर जो है वो पूरा का पूरा जल गया है। बताया जाता है कि 2 बच्चे की मृत्यु भी हुई है और 1 बच्चा अभी भी लापता है, जिसको फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो कोशिश में हैं कि उस बच्चे की जो है या तो जिंदा अगर है तो जिंदा, यानी तो अगर डेड बॉडी अगर है तो डेड बॉडी, उसको ढूंढने के कोशिश में है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं उनसे क्या हुआ था यहाँ पे। भाई साहब, हम काम करने चल गए थे, हमको पता ही नहीं है अब कैसे आग लगा या नहीं लगा, जो हम नहीं कर सकते। तो आप जब आए तो देखे कि पूरा आग लगा हुआ? पूरा तो जला हुआ है, अभी आ ही रहे, पूरा तो जला हुआ है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं, आप थे यहाँ पे? नहीं, अभी तो जहाँ आग लगने के आधे घंटे बाद आ गए थे, जब शोर शराबा हुआ तो यहाँ पता लगा था कि यहाँ 2 बच्चे इसके अंदर जल चुके हैं, जिसका 2 शव मिला हुआ था। अच्छा। और उसके बाद अभी और बच्चे का नहीं पता पा पाए हुए हैं और हेरा जा रहा है। हमारे फायर ब्रिगेड पानी डाल रहे हैं, हेर रहे हैं उनको, अब देखो क्या होता है आगे उनको मिलने के लिए। अभी 1 बच्चे का नहीं पता चल रहा है, अभी एक और है कि घर इसके अंदर आए, अभी पता नहीं जल चुका है या कहीं बाहर भाग चुका है, ये नहीं पता है। ये आज थाना फेस 3 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बहलोलपुर के पास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पे अचानक आग लग गई है, जिसमें तत्काल फायर की टीम मौके पर पहुँची और इनको जो है वो आग बुझाने का प्रयास किया गया। लगभग 12 गाड़ियाँ हमारी इसमें इन्वॉल्व थी और 150 के आसपास ये झुग्गियाँ थी जिनमें आग लगी थी। संभवतः स्पार्किंग या सिलेंडर फटने से अभी इसकी जो है वो जाँच की जा रही है और हवा तेज होने के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, परंतु फायर के द्वारा जो है इसको बुझा दिया गया है। इसमें अभी 2 छोटे बच्चों के शव बरामद हुए हैं, संभवतः वो सो रहे थे और इसी दौरान ये आग पकड़ी तो जानकारी नहीं हो पाई। सभी टीम मौके पर मौजूद हैं और इसमें जो है वो आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है।